नमस्कार, मैं हूं टीना जनायक, में आप सबका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की चौथी व पांचवी दोनों ही लिस्टें आ गई है। इसके बाद प्रदेश में 99 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस की इन सूचियों में कुल 61 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। इनमें 45 सीटें ऐसी है जिनमें भाजपा भी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। पोखरण जैसलमेर सीट से दूसरी बार दो धर्मगुरु को एक दूसरे को चुनौती देने का मौका मिला है। यहाँ कांग्रेस मोहम्मद और बीजेपी ने महंत प्रताप पुरी को मैदान में उतारा है। 2018 के चुनाव के बाद यह दूसरी बार ऐसा मौका है जब दोनों विधानसभा चुनाव में एक ही सीट पर आमने सामने होंगे। वहीं भाजपा ने इस बार पाली से अविनाश गहलोत को टिकट दिया है। वहीं उनका मुकाबला इस बार सीधे बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र गोयल से होने वाला है। हालांकि संभाग से 6 उम्मीदवारों को टिकट मिला है, जिसमें सांगो से नया चेहरा भानु प्रताप को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला सीधा भाजपा नेता हीरा लाल से होगा। इस बार भी कांग्रेस की दोनों सूचियों में शांति धारीवाल का नाम सामने नजर नहीं आया है। क्या इस बार शांति धारीवाल आलाकमान से टिकट ले पाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मेरे साथ देख रहे हैं जनक, देखते रहिए जनक और पढ़ते रहिए जनक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।